आज नारनौल में ईडी ने अनेक स्थानों पर छापेमारी की है। माना जा रहा है कि गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ये वो सहयोगी हैं जो किसी न किसी रूप में सुरेंद्र उर्फ चीकू के पार्टनर रहे हैं। तकरीबन 6 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। सुरेंद्र उर्फ चीकू नारनौल के साथ लगते गांव मोहनपुर का निवासी है और 3 बार सुरेंद्र उर्फ चीकू पर एनआईए की रेड हो चुकी है। अब इस समय सुरेंद्र उर्फ चीकू एनआईए की गिरफ्त में है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरेंद्र उर्फ चीकू से पूछताछ में कहीं ना कहीं उनके पार्टनरों का खुलासा हुआ है और चीकू द्वारा बताए गए नामों के बाद ही अब ईडी ने ये कार्रवाई की है। ठीक मेरे पीछे एक व्यवसायी का ये घर है जहां पर ईडी की इस समय कार्रवाई जारी है। गेट बंद है, सुरक्षा कर्मी यहाँ बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ नज़ारा जालियों के माध्यम से हम आपको दिखा पाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरी कार्रवाई में अंदर लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि कार्रवाई के बाद में ईडी सुरेंद्र उर्फ चीकू या जिन पर छापेमारी है की जा रही है उन पर क्या कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार। रवि भाई साहब नमस्कार।